इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर कैश बुक में जीएसटी आ जाए, अगर कैश बुक का क्वेश्चन विद जीएसटी आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएंगे। कोई भी चेंज नहीं होगा कैश बुक के फॉर्मेट में, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हम पहले कर रहे थे नॉर्मल कैश बुक में। बस इसके लिए हमें जीएसटी की जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर हमें जीएसटी की जर्नल एंट्रीज आती हैं तो हम ये आराम से कर लेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स विद कैश बुक, इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, तो डबल कॉलम कैश बुक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ईयर 2018 जून 1, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख 2018 जून 1, ध्यान से देखना, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईयर है 2018 जून 1, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश लाया है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, तो 1 जून की ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। नेक्स्ट है ओपन्ड अ करेंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000, 1 लाख रुपए तो हमारी कैपिटल हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ओपन्ड अ करेंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। अब अगर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं और पैसे लाया, तो जो पैसे लाया था उसमें से मैंने 80,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो 80,000 की क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश बुक में ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, कैसे दिखाएंगे? पहले 1 लाख कैपिटल दिखा देते हैं डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब 80,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, किस डेट पे करे थे, डेट थी 2nd, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड जून 2, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, क्या है ये कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक में पैसे गए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में कितने गए 80,000, बैंक में गए 80,000, कैश में से कम हो गए, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 2018 जून 2 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने पैसे कैश में से कट जाएंगे 80,000। डेबिट साइड पे इनफ्लोज आते हैं, क्रेडिट साइड पे आउटफ्लोज आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000, और 50,000 रुपए कैपिटल लेके आए, आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 50,000 रुपए मैं लेके आया, उसमें से 40,000 मैंने बैंक में डाल दिए, तो उसी टाइम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू कैपिटल 50,000, तो कैपिटल आई 50,000, ध्यान से देखना। डेट क्या थी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 3rd June, अब ध्यान से देखना, जून 3rd टू कैपिटल अकाउंट, कैश के फॉर्म में 10,000, चेक मतलब बैंक में डिपॉजिट करे हमने 40,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 10,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 40,000। ओके, अब आएगा असली मजा, मेन पार्ट जिसके लिए हम सीखना चाहते हैं कि भैया अगर कैश बुक में जीएसटी हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो हम फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बड़ी ही सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फॉर ₹60,000 प्लस CGST and SGST at 6% each and issued a check for the same. So 60,000 का सामान है। अब जर्नल एंट्री अगर होती, अगर जर्नल एंट्री होती तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती, अगर जर्नल एंट्री होती, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस में कितने आते 60,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 3,600, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड
3600, इश्यूड अ चेक तो टू बैंक अकाउंट, अगर जर्नल एंट्री पास होती तो जर्नल एंट्री तो हमें आती है, जर्नल एंट्री ये होती कितने की पेमेंट हो रही है, 3367200, तो पेमेंट कितने की हुई, 67,200 की, तो कैश या बैंक इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, पैसे आए हैं और पैसे हमने सामान परचेज करा है, पेमेंट हुई है चेक से, तो बैंक से पैसे कट गए। अब ध्यान से देखना, हम बैंक में दिखाएंगे क्या, बैंक में से तो 67,200 कटे, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, ध्यान से देखना, June 3rd पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड पे आएगा June 3rd। अब नॉर्मल अगर हम लेजर बना रहे होते तो कंपाउंड एंट्री कैसे दिखाते, पेमेंट तो हुई है 67,200 की, तो परचेजेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट, परचेजेस के लिए कितने पैसे दिए हमने 60,000, June 3rd सेम डे बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3600, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितने पैसे कट गए 3600। तो टोटल बैंक में से 67,200 गए हैं, बट थ्री डिफरेंट अकाउंट्स थे, तो बाय परचेजेस अलग आ जाएगा, बाय इनपुट सीजीएसटी अलग आ जाएगा, बाय इनपुट एसजीएसटी अलग आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ जाता है अगर जीएसटी आ गया तो, कोई भी फर्क नहीं है, ये ना के बराबर है, पेमेंट तो उतनी हो रही है, जितनी पेमेंट हो रही है बैंक में से तो उतने पैसे कटेंगे। तो एक बार परचेजेस अगर हम कर रहे हैं तो जीएसटी की पेमेंट कैसे दिखा रहे हैं वो हमने दिखा दिया। अब अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हम पैसे रिसीव करेंगे। फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% ईच, चेक रिसीव्ड व्हिच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब हमने सामान बेचा है, कितने का सामान बेचा है 40,000, इमीडिएटली चेक आ गया, तो चेक कितने का आया होगा, ध्यान से देखना, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले जर्नल एंट्री माइंड में फ्रेम करनी पड़ेगी, फिर कैशबुक में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप वर्किंग नोट्स में अपने लिए लिख के भी कर सकते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, सेल्स कितने की हैं 40,000, 6% 6 × 24 सीजीएसटी, 2400 एसजीएसटी, 44,800 बैंक में डेबिट होंगे, 44,800 टोटल डेबिट्स हैं बैंक के, बट तीन अकाउंट्स हैं तो दिखाएंगे कैसे June 4th, ध्यान से देखना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड June 4th टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान था 40,000, अगेन सेम डेट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, पैसे आए हैं तो कितने 2400 सीजीएसटी, 2400 एसजीएसटी। तो परचेजेस करी तो पेमेंट करी हमने, तो जो पेमेंट करी वो परचेजेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास पैसे आए, किस किस के वजह से, सेल ऑफ गुड्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपकी लायबिलिटी है, तो पैसे तो अभी आए हैं, वो तो जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो अगर क्वेश्चन में होगी तो हमें करनी है, नहीं होगी तो हमें वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी, बट परचेज सेल की तो ट्रांजैक्शन हमें करनी है, ध्यान से देखेंगे। तो June 3rd परचेजेस दिखा दी, June 4th सेल्स दिखा दी, June 8th सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स कैशबुक में
नहीं आती, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं आती। तो अब अगर आपके स्कूल में बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आ रही तो आप जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, अदरवाइज नीचे बस एक नोट दे देना चाहिए दैट ट्रांजैक्शन ऑफ 8 जून विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जून 10th, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब राम कौन है भैया, कुछ मेंशन नहीं है, तो कोई होगा राम से हमने कोई पैसे लेने होंगे, पैसे आ रहे हैं अभी तो इस पीरियड में तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो यहाँ पे तो राम कोई है नहीं, ठीक है ना। तो बस लिखा हुआ है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो बस चेक आया है, राम से पैसे आए हैं, ओके। अब ध्यान से देखना, जब भी कोई चेक आए तो हमें देखना चाहिए कि हमने वो चेक डिपॉजिट करा कि नहीं करा। ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है, 10th को जो पैसे आए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो ये जो 8th को हमने सामान बेचा हमने कैश बुक में नहीं दिखाई, ट्रांजैक्शन तो एग्जिस्ट करती है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो पहले हमें ये जर्नल प्रॉपर, और आप एग्जाम में कैश बुक में अगर जर्नल नहीं बना तो कहीं पे वर्किंग कर लेना कि सामान बेचा कितने का, क्यों, क्योंकि 15,000 है, उसके साथ CGST भी है, SGST भी है, तो 15,000 में क्या होगा, 900 CGST, 900 SGST, तो 16,800 रुपीज, 16,800 रुपीज हमने राम से लेने थे। अब यहाँ कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखना, मैं आपको जर्नल में करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं 8th जून की ट्रांजैक्शन जर्नल में दिखाता, गुड सोल्ड टू राम, 15,000 का सामान है, ठीक है, 6% CGST, गुड सोल्ड टू राम, तो वर्क नोट में अगर हम जर्नल प्रॉपर बना रहे होते तो जून 8th, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम, तो जर्नल एंट्री क्या होती, राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल्स 15,000 की है, 6% 900 CGST, 900 SGST, तो राम से मैंने लेने थे 16,800। यहाँ पर डिस्काउंट की बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिमाग नहीं, क्यों, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं, कोई कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं है, इमीडिएट पेमेंट नहीं है, उस टाइम पे अगर पेमेंट हो रही होती तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो सब हम कर चुके हैं सारे केसेस। यहाँ बड़ी सिंपल सी है, राम को सामान बेचा क्रेडिट पे, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। अब मैंने राम से लेने थे 16,800 रुपीज, अब 10 जून को रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 16,500। अब चेक आया 16,500 राम से, तो मैंने 16,800 लेने थे, तो जो 300 है वो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड 300, वो तो एक चीज हो गई। मेन चीज कि जो चेक रिसीव हुआ वो आपने डिपॉजिट कब करा, जब भी कैश बुक में ऐसा क्वेश्चन आए चेक रिसीव, तो क्वेश्चन आगे पढ़ लेना चाहिए कि वो चेक डिपॉजिट कब हो रहा है। तो 12th को लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड ऑन 10th डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो वो 12th को हो रहा है, तो 10th को हमारे लिए क्या है, ये चेक्स इन हैंड। तो अगर हम जर्नल बना रहे होते तो कैसे दिखाते, जून 10th चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन एंड डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राम। राम से पैसे कितने आने थे, 16,800, चेक कितने का आया, 16,500, तो आपने 300 का डिस्काउंट दिया होगा।
बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, बट कैशबुक में नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो 8th की ट्रांजैक्शन भी आ गई, 10th की ट्रांजैक्शन भी आ गई, ठीक है, कैशबुक में दोनों में से कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। 12th को क्या हुआ, 12th को वो चेक डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, तो 12th को क्या हुआ, अब कैशबुक में एंट्री आ जाएगी जून 12th को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, कितने का चेक है, 16,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब पेड रेंट, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST SGST एट 6% ईच, तो 4000 का रेंट है, 4000 का रेंट है, 6 × 4 = 24, 240 पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपने सर्विसेज अवेल करी होंगे, आपके इनपुट्स हैं, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, पेमेंट है, मैं डायरेक्टली आपको कैशबुक में दिखा देता हूँ, 4000 एंट्री तो माइंड में फ्रेम करेंगे, तो पेमेंट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है 15th, रेंट पेड 4000, 15 जून बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, पेमेंट चेक से है ऐसा कुछ लिखा है, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है। तो बैंक में से कितने कटेंगे, रेंट के लिए 4000, अब आपने पेमेंट करी है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाओ उस पर, डेट 15 जून ही है, 6% था, 6 × 4 = 240 CGST, 240 SGST, तो GST आ गया कैशबुक में, तो क्या हो गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, रेंट की पेमेंट दिखा दी। अब नेक्स्ट, अगेन पेमेंट हो रही है, पेमेंट कमीशन की हो रही है, तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा, बाय कमीशन और CGST SGST है 6%, पेड कमीशन बाय चेक, ध्यान से देखना, अच्छा है लैंग्वेज, लैंग्वेज पेड कमीशन, यहाँ पे आपके साथ वो खेलने की कोशिश करते हैं कि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब ये जो पेमेंट है, ये जो अमाउंट आपको गिवन है, इसमें ना GST भी इंक्लूडेड है, इसमें GST भी इंक्लूडेड है, तो भैया फिर हम डायरेक्टली दिखा देंगे, बेटा डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, अब आपको कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखना कैसे वो आपके साथ लैंग्वेज में खेल सकते हैं। तो आप कैसे बचोगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो ही बच सकते हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत ही होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, अब कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेहनत सारी जीरो हो जाती है अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ें। अब ध्यान से देखना, पेड कमीशन 11,200 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच, तो एक्चुअल कमीशन कितनी थी वो पता लगेगा, तभी तो पता चलेगा कि इनपुट CGST कितना है, इनपुट SGST कितना है। लेट द एक्चुअल कमीशन बी एक्स, लेट द एक्चुअल कमीशन बी एक्स, एड इनपुट CGST कितना है, 6% ऑफ एक्स, 0.06x, एड इनपुट SGST, इनपुट SGST कितना है, अगेन 6% ऑफ x, 0.06x, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1.12x, तो इफ 1.12x इज 11,200, तो व्हाट इज x, 11,200 डिवाइडेड बाय 1.12, डेसिमल हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 112 इंटू 1, 100 इंटू 100
कितना आया 10,000. 10,000 क्या निकला, ये कैलकुलेट करना पड़ा हमें कमीशन. तो कमीशन का अमाउंट कितना है, कमीशन का अमाउंट है 10,000. इसमें इनपुट सीजीएसटी कितना है 6%, 600. इनपुट एसजीएसटी कितना है 6%, 600. तो अगर ये सारा हमने ऐड किया तो क्या आया 11,200. अगर ये मैच कर रहा है तो फिर ये आपके ओरिजिनल अमाउंट से भी वेरीफाई कर जाएगा. बट वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. क्या लिखा हुआ है, पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग. ऊपर क्या था, पेड रेंट बाय चेक प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि 4,000 का तो रेंट है, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. यहाँ पे जो अमाउंट था कमीशन का उसमें इंक्लूडेड था, उसमें इंक्लूडेड था. तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा. क्यों सेग्रीगेट करना पड़ेगा भैया, अभी देख लेना, 16 जून को हम दिखाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा जून 16th बाय कमीशन. पेमेंट कैसे हुई है, चेक से हुई है, कैश से हुई है, पेड कमीशन बाय चेक. तो आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, एंट्री है ना. तो 10,000 कमीशन में आएगा बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी. कितना आया 600 each सीजीएसटी एसजीएसटी 600 each. June 16, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन. बट अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी तो आप बच जाओगे, वरना गॉन. 18th, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स है, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे 2,000, इस पे कोई जीएसटी नहीं होता. एंट्री है ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो बैंक से पैसे कटे तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक. डेट क्या है 18 June. तो June 18th क्या आ गया, बाय ड्रॉइंग्स. कितने पैसे कटे बैंक से, 2,000 बैंक से पैसे कट गए. ठीक है, आ गया. नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कॉन्ट्रा एंट्री है 25 June 10,000. June 25th कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कॉन्ट्रा एंट्री है 10,000, कैश बैलेंस बढ़ गया. बैंक से पैसे कटे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा June 25 बाय कैश अकाउंट. कितने पैसे कट गए, 10,000 बैंक से पैसे कट गए. ठीक है जी, अब ध्यान से देखना. 16 done 18 done 25 done. Received a check from X and endorsed it to Y on 29 June. चेक आया X से और वो हमने Y को endorse कर दिया. तो जब हमारे पास आया, हमने बैंक में तो डाला नहीं, तो हमारे लिए checks in hand to X, और जब हमने endorse कर दिया तो Y debited to checks in hand. कैश बुक में ये एंट्री नहीं आएगी. अगर जर्नल बना रहे होते तो 25th को चेक आया तो जर्नल में कैसे दिखाते, June 25th checks in hand account debited to X. कितने का चेक था, 6,000 चेक आया. अब ये चेक आपने बैंक में नहीं डिपॉजिट करा, एंडोर्स कर दिया 29 जून को Y को. तो एंट्री हुई Y debited to X. Y debited to checks in hand. जो आपके पास चेक पड़ा हुआ था वो आपने आगे Y को दे दिया. तो ना तो कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ ना बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ. तो वो क्या होगा, कैश बुक में नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में आएगा. जर्नल प्रॉपर आपको तब बनाना है अगर आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट है, नहीं पता तो पता कर लेंगे कि हमें बनाना है कि नहीं बनाना. ठीक है, पेड सैलरी, लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी. सैलरी कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में पे करी. सैलरीज टू कैश 30th June. तो 30th June को क्या आ जाएगा, बाय सैलरीज. तो
कैश कैश में पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट हुई है 8000। कुछ मेंशन नहीं है कि चेक से पेमेंट हुई है कैश से, तो हम क्या मानेंगे कैश से पेमेंट हुई 8000। क्लोज कर देते हैं। कैश के डेबिट्स 120 है, तो जून 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 मतलब 30 days, तो 30th जून बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो 120 माइनस 88000, डेबिट से 120, क्रेडिट से 88000, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना आ गया 32000। बैंक बैलेंस भी निकाल देते हैं, बैंक के डेबिट्स कितने हैं 181, क्रेडिट्स कितने हैं कम है तो फेवरेबल बैलेंस आएगा 181300 माइनस 94880, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 86420। नेक्स्ट पीरियड जुलाई है, तो जुलाई में कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए 2 बैलेंस बीटी। कैश बैलेंस कितना आ रहा है 32000, बैंक बैलेंस कितना आ रहा है 86420। तो बेटा अगर क्वेश्चन में जीएसटी आ जाए और आप कैश बुक कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट जीएसटी के एंट्रीज बस आपको माइंड में फ्रेम कर लेनी चाहिए कि जीएसटी का अमाउंट कितना है, ताकि वो उस हिसाब से पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे इनपुट जीएसटी दिखा सको, आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो तो आप सामान बेच रहे होगे तो उस पर आप आउटपुट जीएसटी दिखा सको। बस ध्यान ये देखना है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं आती। तो अगर आप परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में डाल भी दें वो कंफ्यूज करने के लिए, तो दीज आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, वो कैश बुक को अफेक्ट नहीं करेंगी। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना कि कैश बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगी ये सारी करने के बाद, कि ये सब तो है ही है, चेक्स रिसीव्ड डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट, डिसऑनर एंडोर्समेंट डिस्काउंटिंग, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे डिसाइड टू रिटेन अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड डिपॉजिट द बैलेंस, उस पर मैं आपको ऑलरेडी काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ। मेन पॉइंट था यहाँ पे जीएसटी डिस्कशन, आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी प्रॉब्लम नाउ। कैश बुक एंड जीएसटी, बस इतना सा ही वेरिएशन था।